एग्जैक्ट माइलेज से आपको जो है मैं आपको फर्स्ट सर्विस के बाद वो भी बता दूंगा। ब्यूटीफुल पीपल, चेहरे पे खुशी देख रहे हो। हाँ भाई, ये खुशी तो होना ही चाहिए बिकॉज आज हमारे भाई का एक सपना पूरा होने जा रहा है। सो आप लोगों ने बहुत दिन से जो है मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख रहे होंगे, 2 days to go, 1 day to go, तो फाइनली इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। सो टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कौन सा मेरा सपना है जो पूरा होने जा रहा है। हाँ गाइस, हियर आई एम गोइंग टू टेक डिलीवरी ऑफ माई न्यू सुपर बाइक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं दिन के 2:45। गुड आफ्टरनून गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को सलाम, छोटों को हेलो। बाइक देखे ली, कमेंट सेक्शन में बताना बाइक। ये रही अपनी ब्लैक पैंथर, मैंने इसका नाम ब्लैक पैंथर रखा हूँ, ठीक है। ये फुल ब्लैक है और ब्लैक पैंथर मुझे पसंद भी है तो मैंने इसका नाम ब्लैक पैंथर रखा हूँ। इसका साउंड सुना देता हूँ पहले आपको, तो मैं आपको फुल रिव्यू वगैरह नहीं देना है, यूट्यूब पे सारे रिव्यू वगैरह आपको मिल जाएंगे। मैं कुछ इसकी सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो हर कोई जो है 155 cc की है। सीट हाइट इसकी जो है 810 mm की है, थोड़ी सी छोटी है बट मुझे बहुत प्यारी लगी है जो इसका सीट है, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत स्मूथ है। हैंडल में चलाने में कोई भी तरीके का कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। स्पीड जो है इसकी 145 किलोमीटर पर आर है। इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 10 लीटर्स है और इसका जो पीछे का सॉकेट होता है टायर में, ये जो इसका सॉकेट है R15 से थोड़ा बड़ा है जिसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन पावर R15 से थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि इसके यामाहा ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाया है BS6 के मॉडल में, इसमें भी है वो और R15 में भी है, कि जब तक आप इसका स्टैंड नहीं उठा देते गाड़ी जो है इसकी ऑन नहीं होगी। ऑन और न्यूट्रल में अगर है तो ऑन हो जाएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी, अगर गियर में है तो गाड़ी चालू ही नहीं होगी। मतलब कि इससे जो है एक्सीडेंट के केसेस बहुत कम होंगे, बहुत एक्सीडेंट होते हैं जो लोग जो है स्टैंड ऊपर करना भूल जाते हैं और निकल जाते हैं और एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो ये बात इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखा है यहाँ माने इस गाड़ी में। चेंजेस जो इस गाड़ी में दिया है वो है ये कि बाकी सारी गाड़ियों में हॉर्न जो है नीचे होता है, इंडिकेटर ऊपर होता है, बट इस गाड़ी में हॉर्न ऊपर दिया है, इंडिकेटर नीचे दिया है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट चलाते चलाते ये सब भी ओके हो जाएगा, आदत हो ही जाएगी। भाई इसकी आंखों का तो क्या कहना, इसकी आंखों पे तो मेरा दिल आ गया है। और यामाहा की सबसे डिफरेंट बाइक है ये अब तक का, मतलब के ऐसी डिज़ाइन जो इसने बनाया है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी बनाया है, ट्रांसफॉर्मर का पूरा लुक दिया है। और मेरा दिल तो जब मैंने गाड़ी देखा था इसकी आंखों पे आ गया था और मैंने कहा था भाई ये गाड़ी तो अब लेना ही है। राइड लेते फटक से छोटी सी, देखते इसकी चलाने में कैसी है। वैसे तो मैं शोरूम से यहाँ तक चलाते हुए आया हूँ, मुझे बहुत औसम लगी, आपको भी दिखा देता हूँ एक छोटा सा राइड ले। भाई गाड़ी तो बहुत ही स्मूथ चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई नवी गाड़ी है तो वाइब्रेशन कहाँ से होगा, ऐसे भी पुरानी होने के बाद भी इसमें बहुत वाइब्रेशन नहीं आता है, एज़ पर अपने मेंटेन पे है कि हम कैसा उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। अब जो जैसा मेंटेन करता है उसको गाड़ी उतनी साथ देती है। मुझे तो बहुत मस्त लगी, बहुत औसम लगी,
और मेरी जो है मुझे लेना यही था। मुझे बहुत सारे जन बोल रहे थे भाई मत ले एमटी मत ले, रिव्यू अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन देखो किसी के बोलने वाले रिव्यू पे आप मत जाओ। उन लोगों ने भी सही बात है, उन लोगों ने भी कहीं से सुन के मेरे अच्छे के लिए मुझे बोला कि भाई एमटी मत लो, क्योंकि उन्होंने किसी से सुना कि भाई गाड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने जो है डायरेक्ट इसके एमटी ओनर से बात किया, मतलब जो एमटी चलाते हुए दिखता था मुझे रास्ते वगैरह पे, तो मैं डायरेक्ट उनको पकड़ता था, उनसे पूछता था भाई कैसी गाड़ी है, क्या माइलेज दे रही है, मेंटेनेंस कैसा है इसका। तो उन लोगों के हिसाब से तो मतलब उन लोगों ने बहुत अच्छा, मेरा सजेशन ये है कि अगर किसी को 155 सीसी के सेगमेंट में गाड़ी लेना है गो फॉर एमटी, बहुत सही गाड़ी है। सोचा तो था मस्त अच्छे से लंबी राइड लूँगा, इन्जॉय करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब से शोरूम से आई है चली नहीं है गाड़ी, बस घर पे ही रखा हो, बिकॉज इसका नंबर प्लेट नहीं आया है अभी तक। जैसी नंबर आ जाएगा फिर हम इसे लेके निकलेंगे सड़कों पे, जॉब पे, सब जगह। बट जब तक ये नंबर प्लेट नहीं आता है तो ऐसा अलाउ नहीं है गाड़ी ले। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे जल्दी न्यू वीडियो के साथ। जब तक पता ना गाइस क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, और भाई भाई जो भी अभी मेरे चैनल पे न्यू आया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जो जिसको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नहीं पता है, अभी स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, जाओ जल्दी से आके फॉलो करो। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।